मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने महंगाई पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई की दर 7.5 हो चुकी है और जब इस तरह की महंगाई आती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, औद्योगिक उत्पादन में 0.5% की गिरावट आ गई है और बढ़ती बेरोजगारी के यही कारण है। मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो नीति है वो बिल्कुल फेल है। संविदा कर्मचारियों को मानदेय में 8% का भी लाभ देने की सरकार ने योजना बनाई है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का भी प्रस्ताव आया है। अगर 10 फसीदी भी मकान बने मिलेंगे तो उन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। अतिथि विद्वानों की हर सप्ताह काउंसलिंग कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो 500 नए पदों का सृजन किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है जिससे उन्हें आसानी से शासकीय आवास मिल सके। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। गैस सिलेंडर के रेट 144 रुपये महंगा कर दिए। महंगाई की दर उच्चतम 7.59% पर है और औद्योगिक उत्पादन में 0.3% की गिरावट आ गई है। जब इसमें गिरावट आती है तो रोजगार जाते हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो रोज़गार ख़त्म होते हैं और गृहिणियों पे सीधा सीधा उसका लाभ पड़ता है। कुल मिला के मोदी सरकार को अगर देखा जाए तो चाहे रोज़गार का जो फ्रंट है उस पर फेलियर है, दूसरी तरफ महंगाई रोकने का जो फ्रंट है उस पर फेलियर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।